आज अपनी ये दाढ़ी जो है वो बिल्कुल क्लीन कर देता हूँ। काफ़ी लोगों को मतलब कह रहे थे कि अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं कटवा रहा हूँ अपने इधर के जो हमारे धरदा हैं जिन्होंने बचपन से हमारे बाल काटते थे। तो ये है वो, ये बचपन से मतलब गांव में जा जा के मैंने इनकी एक वीडियो भी बनाई है जो कि घर घर जाते हैं बाल काटते हैं, उसी से अपना जो रोज़गार वगैरह है वो चलाते हैं। धरदा कब से काट रहे हो तुम बाल? हैं तो साले के चल जाने के। हाँ, तो काफ़ी टाइम हो गया इनको, और तो अभी आए इनके साथ थोड़ा बातचीत करी मैंने, और अपना जो ये बाल है आज बाल काटता हूँ ना, सॉरी आज दाढ़ी बना लेता हूँ, फिर इसके बाद ये बाल भी काट दूंगा। बाल कितने लंबे हुए थे, इनको काटना ज़रूरी है क्योंकि अब बहुत मेहनत लग रही है इसमें, दो दो तीन मतलब दो शैम्पू डेली लगते हैं, तो इनको काट देते हैं। अभी बाल नहीं काटते हैं लेकिन खाली अभी दाढ़ी पूरी क्लीन कर देता हूँ, और क्लीन शेप के बाद आप सभी को मिलता हूँ मैं हमारे धरदा के द्वारा काटे गए बालों द्वारा। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। कभी इस तरह के लोगों से भी जो है वो बाल वाल दाढ़ी वाड़ी कटा लेनी चाहिए, तो आज इनको भी मौका दिया जा रहा है। वैसे मैं पहले काटता था लेकिन अभी अब ठीक है आज की डेट में, तो अभी बनेगी हमारी दाढ़ी। हाँ, बढ़िया करके मालिश करके होगा। पूरा मतलब जो है दाढ़ी वाड़ी बना लिया, अब कहाँ क्या, चलो जो भी है ठीक है। अपना इनको भी थोड़ा बहुत काम करने का मौका मिला, और थोड़ी सी दाढ़ी वाड़ी भी ठीक हल्का सा यहाँ से रह गया है, मतलब बाकी करा लूँगा इनको, सेट करा लूँगा आगे जाके जब बाल बनाऊँगा ना, तो इसके बाद पूरा जो बाल वाल है वो कटिंग भी कर लूँगा। तो बाल तो मुझे आगे मार्केट में करवाने पड़ेंगे, तो अभी शेविंग वेविंग कर ली। कैसा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट करके बताएँ, और भी कुछ होगा तो आप सभी के बीच में शेयर किया जाएगा। तो वैसे मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे जो गांव के इतने मतलब लोग होते हैं जो अपने गांव के होते हैं, उनको भी थोड़ा रोज़गार मिल जाता है, और 20-30 रुपये वो भी कमा लेते हैं, तो उनको रोज़गार दें, बाकी और कुछ नहीं। और अभी गाड़ी की आवाज़ आ रही है, तो मिलता हूँ आप सभी को एक और ब्लॉग के साथ इसी तरह। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।